एक लड़का जिसके पास बड़ा भारी सा एक सूटकेस है, वो जोगेश्वरी इलाके से ऑनलाइन कैब बुक करता है। कैब आती है और लड़का सूटकेस को उसमें रखने की कोशिश करता है, लेकिन सूटकेस इतना भारी है कि उसे उठाने में लड़के को परेशानी हो रही थी। ये देखकर कैब ड्राइवर लड़के से पूछता है कि बैग इतना भारी क्यों है। इस बात पर लड़का अपनी राइड कैंसिल कर देता है। फिर वो लड़का दूसरी कैब बुलाता है और डेस्टिनेशन में मुंबई एयरपोर्ट डालता है। इस कैब में बैठने के बाद वो डेस्टिनेशन को बदल कर मलाड कर देता है। मलाड में माइंड स्पेस के पास पहुंचकर लड़का अपने भारी भरकम बैग को साथ लेकर कैब से उतर जाता है। कैब ड्राइवर उस लड़के को छोड़कर आगे निकल गया और यू टर्न लेकर जब वापस लौटा तो उसने देखा कि बैग को रोड किनारे छोड़कर वो लड़का एक रिक्शे में बैठकर वहां से निकल गया। कैब ड्राइवर को कुछ खटकता है और वो पुलिस को फ़ोन कर देता है। नमस्कार, मेरा नाम है मनोज मनु और आप देख रहे हैं द चाणक्य। ये कहानी है 20 साल की मानसी दीक्षित और 19 साल के सईद मुजम्मिल हसन की। मानसी राजस्थान के एक शहर कोटा में पली बड़ी थी। कोटा में वो अपनी माँ और बहन के साथ स्टेशन के पास मंगलातन अपार्टमेंट के एक फ्लैट में रहती थी। उनके पिता रेलवे वर्कशॉप में काम करते थे और कुछ साल पहले उनकी मृत्यु हो चुकी थी। पिता के जाने के बाद मानसी की बड़ी बहन दीक्षा को पिता की जगह नौकरी मिल गई थी। मानसी महत्वाकांक्षी लड़की थी और अभिनेत्री बनना चाहती थी। अपनी इसी महत्वाकांक्षा को लेकर वो कोटा से मुंबई पहुंच गई और यहां आकर उसने मॉडलिंग शुरू कर दी। मुंबई में मानसी अपने करियर के मुताबिक खुद को ढाल रही थी। वो काम के लिए अपने परिवार से, अपनी माँ से बहुत दूर रह रही थी, लेकिन इस तस्वीर में मानसी के हाथ पर बने टैटू को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो दिल से अपनी माँ के कितना करीब रही होगी। मानसी अपने परिवार की अहमियत को बखूबी समझती थी। उसे मुंबई आए हुए अभी सिर्फ 6 महीने ही बीते थे, लेकिन इतने कम समय में ही उसने अपनी पहचान बना ली थी और उसे काम मिलना भी शुरू हो गया था। मॉडलिंग के साथ साथ मानसी टीवी सीरियल में भी नज़र आ चुकी थी। मॉडल और फोटोग्राफर एक दूसरे के पूरक होते हैं। एक मॉडल को अच्छा फोटोग्राफर चाहिए होता है और फोटोग्राफर को एक अच्छी मॉडल। दोनों का काम एक दूसरे के बिना संभव ही नहीं। इसी के चलते किसी कॉमन फ्रेंड के जरिए मानसी की पहचान हुई सईद मुजम्मिल हसन से। 19 साल का मुजम्मिल फोटोग्राफर था। मानसी ने 4 अक्टूबर 2018 को इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाली थी जिसमें उसने लिखा था, हे भगवान मुझे धैर्य देना, क्योंकि अगर आपने मुझे ताकत दी तो मैं किसी की जान ले लूँगी। मानसी नहीं जानती थी कि इस पोस्ट के सिर्फ 10 दिन बाद खुद उसकी जान चली जाएगी। 15 अक्टूबर 2018 कैब ड्राइवर ने जब पुलिस को सूचना दी कि उसकी कैब से आया एक लड़का भारी भरकम सूटकेस को रोड किनारे छोड़कर रिक्शे से भाग निकला है, तो पुलिस तुरंत वहाँ पहुँची। पुलिस अधिकारियों ने यहाँ पहुँचकर जब इस सूटकेस को खोला तो उसके अंदर एक महिला की लाश थी जिसके सिर पर चोट के गहरे निशान थे। लाश को गोलमोल करके रखा गया था। उसके हाथ पैर रस्सी से बंधे थे, गले में भी एक रस्सी बंधी हुई थी और उसे बेडशीट से कवर किया गया था। शुरुआत में पुलिस को समझ नहीं आ रहा था कि सूटकेस में रखी लाश किसकी है, लेकिन जब छानबीन शुरू हुई तो पता चला कि ये शव मानसी दीक्षित का है। वही मानसी दीक्षित जो राजस्थान के कोटा से हीरोइन बनने मुंबई आई थी। कैब ड्राइवर ने बताया था कि आरोपी ने जोगेश्वरी से कैब बुक की थी और वहीं से वो मानसी की लाश वाला सूटकेस लेकर चला था, जिसे वो मलाड में छोड़कर ऑटो रिक्शा से कहीं निकल गया। सीसीटीवी की मदद से पुलिस ने उस ऑटो का पता लगाया जिसमें बैठकर आरोपी सूटकेस छोड़कर भाग निकला था। इसके बाद पुलिस को उस लड़के तक पहुँचने में देर नहीं लगी। सिर्फ 4 घंटे के अंदर ही पुलिस ने आरोपी लड़के को मिल्लत नगर में उसके घर से ही गिरफ्तार कर लिया। ये लड़का वही फोटोग्राफर सईद मुजम्मिल हसन था जिससे कुछ दिन पहले ही मानसी की जान पहचान हुई थी। अब तक लाश को एक नाम मिल चुका था और बहुत कम समय में ही आरोपी भी पुलिस की गिरफ्त में था। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसी कौन सी बात हुई जिसकी वजह से मुजम्मिल ने मानसी की जान ले ली थी। असल में हुआ ये था कि जब मुजम्मिल की मानसी से पहली मुलाकात हुई तभी उसकी नीयत खराब हो गई थी। मुजम्मिल ने वारदात वाले दिन फोटो शूट करने के बहाने मानसी को अपने फ्लैट पर बुलाया और यहाँ उसने मानसी के साथ गलत हरकत करने की कोशिश की। मानसी ने जब इसका विरोध किया तो मुजम्मिल को गुस्सा आ गया और उसने मानसी के साथ मारपीट करनी शुरू कर दी।
मानसी फिर भी नहीं मानी तो मुजम्मिल ने उसके सिर पर लकड़ी का एक स्टूल उठाकर दे मारा। चोट लगने के बाद जब बेसुध हालत में मानसी दीक्षित जमीन पर गिर गई तो मुजम्मिल ने उसका उत्पीड़न करने की कोशिश की। मानसी फिर भी लगातार संघर्ष करती रही और उसने घायल होने के बावजूद मुजम्मिल को कामयाब नहीं होने दिया। इसके बाद सईद मुजम्मिल झुंझला गया और उसने फीते से गला घोंटकर मानसी की जान ले ली। मुजम्मिल ने मानसी की लाश के हाथ पैर बांधकर एक बड़े से सूटकेस में डाला और ठिकाने लगाने के लिए निकल गया। उसने सोचा था कि लाश को दूर कहीं जाकर छोड़ देगा और भाग जाएगा, लेकिन एक कैब ड्राइवर की सूझबूझ और समझदारी के चलते पकड़ा गया। इस कहानी के बारे में आप अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइए। धन्यवाद।